साईं के दरबार में किस पर लगे घोटाले के 14 आरोप। साईं के लड्डू वाले प्रसाद में किसने किया 1.5 करोड़ का घोटाला। साईं को ले जाने वाली पालकी के रास्ते में कौन करता है गड़बड़। साईं बाबा की जमीन को कौन लूटना चाहता है। साईं के अस्पताल में किसने किया घोटाला। साईं के भक्त निवास में कौन है वो दुश्मन। साईं के स्कूल में किसने किया बेंच घोटाला। साईं के कंप्यूटर सेंटर में कौन कर रहा है फर्जीवाड़ा। क्या है साईं दरबार के घोटाले का सच। सब मामले में माननीय मंत्री साहब महोदय इन्वॉल्व है। तो आज ये PIL है, सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, न्यायपालिका है, सरकार है और हम लोग सरकार के अंडर हैं। हम एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका है। आज हिंदुस्तान देखेगा शिरडी वाले साईं के दरबार की गड़बड़। ऑपरेशन साईं बाबा। क्या गौर किया आपने कि आजकल साईं बाबा का प्रसाद लड्डू क्यों नहीं मिलता। जब आप शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते होंगे तो आपके परिवार वाले और रिश्तेदार भी आपसे उस खास लड्डू की मांग करते होंगे, लेकिन कहां गया साईं बाबा का प्रसाद वो लड्डू। साईं दरबार में आखिर क्या गड़बड़ है, क्यों साईं दरबार में लग रहे हैं इतने आरोप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस लड्डू को गौर से देख लीजिए, ये अब साईं के दरबार में नहीं मिलता है और आरोप है कि लड्डुओं में भी गोलमाल है। आरोप के मुताबिक प्रसाद का ये घोटाला करोड़ों रुपए का है। पहले प्रसाद की ये दुकानें साईं संस्थान की थी, लेकिन फिर ट्रस्ट ने लड्डू की इन दुकानों को एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप है कि ठेकेदार ने वहां साईं के असल प्रसाद लड्डू की बजाय पेड़े, लस्सी, खादी, शक्कर और दूसरी चीजें साईं संस्थान की मोहर लगाकर बेचनी शुरू कर दी। तकरीबन 1.62 करोड़ रुपए का। इसके अंदर माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कि महाराष्ट्र के मंत्री है, बाद में जो साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष है जयंतराव जी ससानी साहब है, शंकरराव जी कोले साहब है और बाकी जो ट्रस्टीज है वो सब इनमें इन्वॉल्व है। लड्डू काउंटर को मंदिर के प्रीमाइसेस से विस्थापित किया गया, इसलिए विस्थापित किया गया कि वहां सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था, कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। साईं संस्थान अपने अस्पतालों में गरीब लोगों को इलाज में छूट देता है। साल 2009-2010 में 2,405 मरीजों को इलाज में छूट दी गई। आरोप है कि इन 2,405 मरीजों में से 1,589 मरीज संस्थान के 3 ट्रस्टीज के जरिए आए थे। सभी मरीज VIP वार्ड में भर्ती थे, फिर भी उन्हें इलाज में छूट दी गई। इस तरह ट्रस्टीज ने संस्थान को करीब 68,71,000 का चूना लगाया। RTI के अंतर्गत मैंने बहुत सारे पेपर्स इकट्ठा की है, उसमें ऐसा जांच में ऐसा पता चला है संस्थान का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर आप ये आरोप लगाना चाहें तो MLA MP के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि एक हमें सुविधाएं दी गई हैं। हम अगर किसी गरीब आदमी को कहते हैं कि नियमा प्रमाणे मदद करा एंड उसके बाद हम फोन भी नहीं करते। शिरडी आने वाले साईं भक्तों के ठहरने के लिए इन इमारतों को बनाया गया है। अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि संस्थान की ट्रस्टी 1988 से ही साईं भक्त निवास के क्वार्टर पुलिस अधिकारी, तहसीलदार समेत दूसरे सरकारी अधिकारियों को देते रहे हैं, जबकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक संस्थान की किसी भी संपत्ति को किराए पर या लीज पर न दिया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। शिरडी में साईं की पालकी जिन जिन रास्तों से गुजरती है, साईं संस्थान उन रास्तों को खुद के खर्च पर बनवाता है। अहमदनगर के कोपर गांव में साईं की पालकी के अनुदान से सड़क बनाई गई है, लेकिन आरोप है कि इस रास्ते से साईं की पालकी गुजरती नहीं है, जबकि संस्थान ने इसका पूरा भुगतान कर दिया है। आरोप के मुताबिक तकरीबन 1.12 करोड़ रुपए सड़क के घोटाले में है।
एयरपोर्ट निर्माण के मसले पर महाराष्ट्र विधानसभा परिषद ने 26-27 जुलाई को शिरडी संस्थान एक्ट में संशोधन किया। फैसला हुआ कि साई संस्थान एयरपोर्ट के लिए 35 करोड़ रुपए देगा। चौंकाने वाली बात यह है कि संस्थान ने 5 और 25 जुलाई यानी प्रस्ताव पास होने से पहले ही ये पैसे महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को दे दिए थे। एयरपोर्ट को जो 35 करोड़ रुपीज दिए वो विधान परिषद विधानसभा को बाईपास किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 50 करोड़ से 500 करोड़ पे ट्रस्ट आ गया। आप ये कह सकते हैं कि हम घोटाला करके 500 करोड़ में लेके आए। बेंच लगाने के काम में भी घोटाला करोड़ों तक पहुंच चुका है। आरोप है कि साल 2009 में ट्रस्ट के सदस्यों ने नियमों की अनदेखी कर स्कूल में बेंच देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ये रुपए महाराष्ट्र के तत्कालीन कानून एवं न्याय मंत्री के प्रभाव में दिए गए। इन रुपयों से बने 32,595 बेंचों में से 8,685 बेंच उसी मंत्री के क्षेत्र में दिए गए। आरोपकर्ता के मुताबिक बेंच मामले में घोटाला तकरीबन 10 करोड़ का है। ये जो प्रोजेक्ट था ये 34 करोड़ का था। ये 34 करोड़ के प्रोजेक्ट में साई बाबा संस्थान ने 10 करोड़ रुपए दिए, बल्कि जिला परिषद ने खुद के पैसे से 1 रुपए का भी बेंच नहीं लिया। तो जिला परिषद ले बेंच दिले शाळा को जिला परिषद शासनाचे ना आपत आरोप कधी होतो की प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनला तुम्ही काही फेवर केलं। प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन जिल्हा परिषद स्कूल आहे। साइंस संस्थान के कंप्यूटराइजेशन में भी घपले का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रस्टीज ने चेन्नई की कंपनी को पुरानी तारीख पर ठेके दिए और तो और कंपनी ने तय समय पर भी काम पूरा नहीं किया, जिससे संस्थान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह लोगों का मानना है कि साईं की कृपा अपने भक्तों पर कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह साईं के दरबार में घोटालों के लगे आरोप भी जारी हैं। यात्रा भत्ते से लेकर कॉम्प्लेक्स के निर्माण तक में लगे हैं घोटाले के आरोप। साईं दरबार में लाखों भक्त आते हैं, उनके इंतजाम और सही देखरेख के लिए ट्रस्टी और कमेटी के सदस्यों की बैठक होती रहती है। बैठक के लिए सदस्यों को आने जाने का वाहन भत्ता दिया जाता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सदस्यों ने अपने फायदे के लिए वाहन भत्ता बिल में लगातार गलत जानकारियां दी। भी आरोप है कि मैंने 15,000 रुपए का वाहन का आरोप लगाया, जबकि वो आरोप कुछ आरोप है ही नहीं है। आप एक कॉमन मैन उसको पढ़ के देख सकते हैं कि हमारा इंटाइटलमेंट 7 रुपीज पर किलोमीटर। एज पर इंटाइटलमेंट इन माई 7.5 ईयर्स आई हैव क्लेम्ड ओनली ट्वाइस। इस सड़क को देख लीजिए, आरोप है कि सड़क को बनाने के लिए बड़ा घोटाला किया गया। आरोप के मुताबिक भक्तों के लिए साईं संस्थान ने शिरडी नगर पंचायत से सड़क बनाने की जगह मांगी थी और शर्त के मुताबिक शिरडी संस्थान को इसके बदले नगर पंचायत को दूसरी जगह जमीन देनी थी। आरोप है कि करीब 91 लाख रुपए की जमीन के बदले साईं संस्थान ने लगभग 6 करोड़ की कीमत वाली जमीन दी है। आरक्षण क्रमांक 8 में 6 करोड़ रुपया खर्चा करके 60 गुंठा लैंड में एक अद्यावत स्कूल बना के दिया और उसके बदले में ये 24 आर जगह सहयोग संस्थान को मिलनी चाहिए थी, मगर सहयोग संस्थान के पास आज सिर्फ 10 गुंठा जगह है। तो आज ये PIL है, सरकार इन्वेस्टिगेट करे, न्यायपालिका है, सरकार है और हम लोग सरकार के अंडर हैं। हम एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका है। साईं निवास के अलावा साईं भक्तों के ठहरने के लिए साईं गेस्ट हाउस भी बना है। ये गेस्ट हाउस भी घोटाले की चपेट में है। आरोप है कि ट्रस्ट के मुझे जानने वालों को बिना पैसे लिए गेस्ट हाउस में रुकवाया। ध्यान से देख लीजिए सभागृह और भक्त निवास को, इस पर भी घोटाले के आरोप हैं। यस गांव के इस भक्त निवास का ठेका अपने रिश्तेदार को दिलवाया। नियम के मुताबिक ये जमीन पहले शिरडी ट्रस्ट के नाम होनी थी, उसके बाद उस पर निर्माण होना था, लेकिन सभागृह बन गया और आरोप है कि जमीन अभी भी ट्रस्ट के नाम नहीं है। इस गांव जहां पे उपाध्यक्ष शंकरराव कोले साहब है, उनके गांव में भक्त निवास बांधा, जो जमीन संस्थान के नाम पे नहीं है। यह जमीन पे उनके साडू ने, रिश्तेदार ने, करीबी रिश्तेदार ने इमारत बांधी, उसका सब पैसा ले लिया। आज 7.5 वर्षों में अचानक की इतनी याचिकाएं आ गईं और मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, ये कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित याचिकाएं हैं, इसका उद्देश्य कोई कुछ और है। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से कार्य किया।
ये भक्त निवास शिरडी मंदिर से 12 किलोमीटर दूर संवत्सर गांव में बना है। ये गांव शिरडी संस्थान के ट्रस्टी और महाराष्ट्र कृषि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल का है। अभी तक लड्डू से लेकर कॉम्प्लेक्स तक का घोटाला आपने देखा, अब देखिए जमीन से लेकर नियमों तक में हेरफेर के आरोपों की फेहरिस्त। साईं दरबार से सटा एक कॉम्प्लेक्स बना है जो नगर पंचायत ने साईं संस्थान की जमीन पर बनवाया, लेकिन मालिकाना हक किसी और के नाम है। इमारत बनाने में पूरी तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई। नियम के मुताबिक 40 टॉयलेट के ऊपर होने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे बिल्डिंग में कभी भी हादसा हो सकता है। ट्रस्टीज ने हमेशा मामले को नजरअंदाज किया। ये जमीन का कॉस्ट, मंदिर के बाजू में जो जमीन है इसका कॉस्ट करोड़ों रुपया है। मैं तो कहूंगा ये 400 करोड़ के ऊपर की जमीन है, क्योंकि साईं बाबा के मंदिर के बाजू में साईं बाबा की प्रॉपर्टी है। साईं बाबा की प्रॉपर्टी पे ये नगर पंचायत और उसके जो अलाइज है इन्होंने दल्ला मारा है। साल 2008 में ऑडिट करने वाली कंपनी शरद गायकवाड़ एंड कंपनी ने संस्थान में कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। आरोप है कि संस्थान की नियमावली में सदस्यों की गलतियों पर सजा और जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी सदस्य अगर कोई गलती करता है तो उस पर किसी तरह के आरोप तय नहीं किए जा सकते। ये सब मामले में माननीय मंत्री साहब महोदय इन्वॉल्व है, इसीलिए ये इमारत को नाम राधाकृष्ण विखे पाटिल व्यापारी संघ खुल गया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये वो आरोप है जिनका जवाब साईं संस्थान के पूर्व सदस्यों को 3 हफ्ते में देना है।